نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزز مهمانان گرامی قدر موقر زعماء ومكررين اور حاضرین زي بقار جملة خباتين و حضرات الحمد لله تعالى آج डॉक्टर हसन मुहद्दीन कादरी की एक बड़ी ही वकी मोतबर और तारीख़ी किताब की तकरीबे रूनुमाई में हाजिर हैं जिसका है दस्तूर मदीना और फलाही रियासत का तस्वुर ये किताब मिसा के मदीना का एक तज्याती मा है और नहायत उमदा तहकीकी और तकाबली जायज़ा है मगरबी दुनिया के दसाती रम के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिसको मिसा के मदीना कहते हैं उसका बहुत उम्दा तबिली मुताल किया गया है कबल इसके कि मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में इस किताब के या तहकीक़ के पस मंज़र का जिक्र करूँ मैं अपनी मसरत और फरहत का इजहार और अपने इतमान पर मबनी जज्बा का इज़हार एक दिलचस्प पैरा में करना चाहता हूँ और वो ये कि नज़र इसके कि डॉक्टर हसन मौीद्दीन मेरे बेटे हैं इस एंगल से नहीं इस किताब और तहकीक के जो अपने मेरिट्स हैं उस पे फोकस करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अब तक एक हजार कतुब तारीफ किए जिनमें अलहमद साढ़े छः सौ या पौने सात सौ के करीब मतबू आ उन मतबूा कितुब में से सैकड़ों किताबें ऐसी हैं जो जदीद मौजूआत पर मबनी अगर मैं अपनी जदीद मौजुआत पर लिखी हुई उन सैकड़ों कतुब में से नहायती पसंदीदा सौ किताबें चूज़ कर लूँ सौ और वो सारी की सारी सौ कुतुब डॉक्टर हसन की इस एक किताब पे कुर्बान कर दूँ तो ये किताब उससे भी ज़्यादा हक़दार है ये मेरे जज्बात हैं अल्लाह इज़्ज़त इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल करे और उम्म मुस्लिमा में उन लोगों को जो ऐसे मौज़ूआत पर मुताला करना चाहते हैं इस्ता करना चाहते हैं उनके लिए फहम और बसीरत की राहें खोलें इस किताब या इस तहकीक का पस मंज़र यह है कि उन्नीस सौ नबे की दिहाई का एक वाक़ है नाइन्टीज की दिहाई का आज मौजूद कई उम्र रसीदा बुजुर्ग महक्कीन जुआमा, तजिया नगार और स्कॉलर्स ऐसे बैठे होंगे जिन्हें वो ज़माना याद है कि अलहमरा में जो हाल था या वापडा ऑडिटोरीम में उस ज़माने मुजाकर हुआ करते थे मजालस और बड़े बड़े इजमात और कई मरतबा रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल साहब और इस खाकसार को और दीगर बहुत से स्कॉलर्स को स्टेज पर इकट्ठे गुफ्तु का मौक़ा मिलता रहता था अक्सर व बेशतर हम एक ही स्टेज पर गुफ्तु करते थे रोज़नामा जंग के तहत शायद ये एक मजले से मुजाकर थी जिसमें मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हम इकट्ठे बैठे थे मुझसे देर तक गुफ्तु की और मुझे कहा डॉक्टर साहब ये जो मिसाँ के मदीना है जिसे हम दुनिया का सबसे पहला तहरीरी दस्तूर समझते हैं इसके मौजू पर वेस्टर्न वर्ल्ड में जब मैं जाता हूँ जर्मनी में फ़्रांस में स्पेन में इंग्लैंड में यूरोप के दीगर ममालिक में या अमेरिका में कॉन्फ्रेंसिस में तो उन्होंने कहा कि कई बार मेरा तबादला ख़्याल हुआ है जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं रिसर्चर्स हैं राइटर्स हैं या इस्लाम के क्रिटिक्स हैं ना के दीन हैं वो इसको दस्तूर नहीं मानते वो कहते हैं ये तो एक सहीफा था एक डॉक्यूमेंट था वसीका था एक एग्रीमेंट था तीन पार्टीज़ के दरमियान एक माहदा था मुसाला था इस तरह की असलाहत कुतुब में इस्तेमाल की हैं ने। इसका दस्तूर होना एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना या दस्तूरी दस्तावेज होना ये इस्टेब्लिश नहीं होता फिर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने फरमाया कि मैं मैंमी मतमर इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में भी जाता हूँ राबत आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में भी गया जामिया अजहर जाना हुआ है शेख उजहर समेत बहुत सारे आलम इस्लाम के जैद उलमा इस्कालस महिकीन से तबादला ख़याल मेरा हुआ है और मुझे कोई मुतमन नहीं कर सका और मुस्तरकिन की तरफ से उठाए गए एतराज़ा का तसली बख जवाब नहीं मिल सका तो मुझे वो कहने लगे अल्लाह इज़्ज़त ने आपको ख़ास नमत से सरफराज किया है उलू कदीमा और उलूम जदीदा उनका इशारा आइन कानून और मॉडर्न जो मज़ामीन हैं उनसे और उलूम कदीमा और अरबी ज़ुबान से अल्लाह इज़्ज़त ने शनासाई दी है कहने लगे ये आप ज़िम्मे उधार है उम्मत का आप इसको चुकाएं इस सब्जेक्ट पे लिखें और इसे साबित करें कि यह वाकई दस्तूर है ताकि मोतबर दलाइल के साथ ये बात वेस्टर्न वर्ल्ड को पहुंचाई जा सके तो मुझे उन्होंने कहा कि ये मैं आपके जिम्मे छोड़ता हूं आप इस कर्ज को चुकाएं मैंने मशरक़ मग़रब हर तरफ सफ़र किया है आपके सिवा किसी और जगह नहीं पड़ी मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कर चुकाएंगे ये बात मैंने अपने जेन में रजिस्टर कर ली फिर उसी नब्बे की दिहाई में मैंने कलम उठाया और मेरी एक मरूफ किताब है जिसको छपते हुए आज तीस बरस से ज्यादा अरसा गुजर चुका है कमोबेश बेश मिसा के मदीना के नाम से मैंने अपनी किताब तालीफ की उस किताब में मैंने इस मिसा के मदीना या असहिफा या अलवसीका की जितनी इबारत इनको फिर से आर्टिकुलेट किया उनको दस्तूरी ज़ुबान दी आइनी असलाहत के साथ हेडिंग्स दी आइनी दस्तूरी और कानूनी जुबान में उसकी तरजीबिन होगी यहाँ पर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने इस किताब के तेरेसठ आर्टिकल्स बनाए किताब से मेरी मुराद मिसा के मदीना के मतन के मगरबी दुनिया में जितने मुस्तरकिन हुए हैं यानी गैर मुस्लिम मक जिन्होंने इस्लाम पर रिसर्च किए उन ओरिएंटलिस्ट्स में पहला शख्स जो था वेलहसन जूलियस ये जर्मन था उसने 1889 में मिसा के मदीना को आर्टिकुलेट किया था अरबी मसादिर से इसके मतन को लेकर कंपैरिजन करके सैतालीस आर्टिकल्स की शक्ल में मुंजबित तौर पर पहली मरतबा उस शख्स ने पेश किया खैर मुस्लिम था जर्मन मुस्तरक उसके बाद इसी स्कीम को यानी मिसा के मदीना के सन्तालीस आर्टिकल्स को फोर्टी सेवन आर्टिकल्स को मॉन्ट गुमरी वाट ने बरकरार रखा अपनी कुतुब में और जो मोहम्मद एट मदीना उसने किताब लिखी 1956 में फर्स्ट टाइम छपी उसमें उसने वलहासन जूलियस की ही तरतीब के मुताबिक सैतालीस आर्टिकल्स बरकरार रखे उसके बाद डॉक्टर हमीदुल्ला का जमाना आता जो पेरिस में रह के काम कर रहे थे उन्होंने 1959 में इसी गलहसन जूलियस की कायम करदा तरतीब को बरकरार रखते हुए अपनी किताब में मिसा के मदीना के सैतालीस आर्टिकल्स को बयान किया आम तौर पर हमारे यहाँ यानी यह मुसलमानों के यहाँ या बड़ सगीर पाक हिंद में यह तसुर पाया जाता है कि शायद डॉक्टर हमीदुल्ला साहब ने पहली मरतबा इसके सन्तालीस आर्टिकल मुकर किए या वज़ा किए तो ये तसर दुरुस्त नहीं है ये जर्मन मगरबी मुफक्र और मुस्तरक वेलहासन जूलियस ने कायम किए थे सन्तालीस और मंडक वाट ने इन्हीं को कर कायम रखा था डॉक्टर हमीदुल्ला ने उन्हीं को बरकरार रखा उसके बाद जितने स्कॉलर्स रिसर्चर्स अमेरिका तक मशरक़ और मग़रब की दुनिया में आए यही तरतीब चलती रही सन्तालीस आर्टिकल्स की ताकि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के कहने पर मैंने जब मतला किया मसादर असलिया का तमाम असल अरबी मसादर का और दीगर तहक़ीक़त जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई थी और जो टेक्स्ट अवेलेबल थे उनकी कंपेरेटिव एनालिटिकल स्टडी की तो मैंने असर नौ समझा कि ये आर्टिकल्स कम हैं मैंने उसकी तंजीम नौ की फिर से आर्टिकुलेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ला तइंटीज़ की दिहाई में इसको तिरसठ यानी सिक्सटी थ्री आर्टिकल्स में तकसीम किया हेडिंग्स बना दी अरबी मतन इंग्लिश तर्जमा उर्दू तर्जमा इस शक्ल में छाप दिया इसके पस मंज़र पर गुफ्तु कर दी ज़रूरी हद तक तश्रियात कर दी मगर स्टिल मेरे जहन में रहा कि मैं अब इस मिसा के मदीना की एक मबसूत शरा लिखूंगा ये मैंने अपने ज़िम्मे कर्ज समझा फिर बहुत सारे दीकर कामों में मसरूफ़ हो गया अल्लाह रबत ने यह काम डॉक्टर हसन मोहुलद्दीन के हिस्से में लिखा था फिर जब ये अपनी मास्टर्स कर चुके लॉ की डिग्री कर चुके मैनेजमेंट साइंसेस में लंदन में एमएससी कर चुके उन्होंने शरीया, अरबिया दीनिया, शाम दमश और हलब के लमा से पढ़ के फारग हो गए तो फिर पीएचडी के लिए मिस्र गए जामिया दुबलरबिया अरब लीग यूनिवर्सिटी के इस जामिया अजहर के इस जेर निगरानी इन्होंने पी एच डी करनी थी तो मैंने कहा बेटे ये काम मेरा उधार है किताब मैंने लिख दी है तिरसठ आर्टिकल्स बना दिए हैं उनके हेडिंग्स को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज दे दी है दस्तूरी जुबान में ज़रूरी तश्रियात कर दी हैं और वेस्टर्न इस्कालस की जो तहक़ीक़ात हैं उसके साथ को रिलेट कर दिया है मगर एक एक आर्टिकल की शरा उस पर तहकीक उसका तकाबुली जायजा तज़ियाती मतला ये रहता है मेरी ख्वाहिश है कि आप इस सब्जेक्ट पर पी एच डी करें ताकि मेरा कर्ज अदा हो जाए और आपकी पी एच डी इस सब्जेक्ट पर जो एक इलमी लिटरेचर है इस्लामी उसके अंदर एक बहुत बड़ा वकी इजाफे का बायस बने अलहमद ला ती हसन मौजिद्दीन ने इस पर काम किया और नहायत ही शानदार अरबी में काम किया था वो किताब आपके सामने है अब वो इंग्लिश और उर्दू तीनों जुबानों में आपके सामने आ गई है इन्होंने साबित किया कि यह दस्तूर है और दसातिर आलम के साथ मुआज़ना करके इसकी दस्तूरी हैसियत को एस्टेब्लिश किया ये बात दुरुस्त है वहासन जूलियो ने सबसे पहले 1889 में इस पर काम किया मगर यानी आप समझें बैन दस्तूर ये ये ट्रीटी है या कॉन्स्टिट्यूशन है एक डॉक्यूमेंट है इस कंफ्यूजन का शिकार रहे मोहन गुमरी वाट ने बात की 1956 में उसके बाद डॉ हमीदुल्ला ने इस पर लिखा फिर बी सार्जेंट ने 1964 में लिखा इसके बाद एक इसराइली स्कॉलर था एम गिल उसने इस पर लिखा 1974 में उसकी तहकीक तबाह हुई फिर ए जे वेन्ग ने लिखा 1975 में तबाह हुई फिर एक जैपनीज स्कॉलर था ए गोटो, उसने लिखा 1977 में फिर माइकल लेकर ने लिखा 1988 में उसकी तहकीक आई यू रूबन ने लिखा 1985 में जेबी भी ने लिखा 1988 में मैंने 10 मुस्तरकिन और वेस्टर्न स्कॉलर्स को मेंशन किया है उसके बाद दर्जनों आ जाते हैं अमेरिका के लोग भी और लिखते चले गए मगर ये सारे अपनी ताकिक में या तो एंड पर जाके लिखते हैं कि ये दस्तूर नहीं था और खुदमा ने इसको दस्तूर नहीं कहा एक सहीफा था एक डॉक्यूमेंट था एक वसीका था जिससे मीसाक का लफ्ज बना है एग्रीमेंट था एक माहदा था पार्टीज के दरमियान एक मुसालहत का एक ट्रीटी था ऐसी अतला इस्तेमाल करके शुभात और एतराजा वारद करते हैं अब दसातीर आलम के साथ दस्तूरी जुबान में एक एक आर्टिकल को कम्पेयर करना उसकी शरा करना उसका तज् करना ये बात साबित करने के लिए कि ये असिलाहत बेशक कदीम जमानों में इस्तेमाल होती रही मगर फिल फिलवा यही वो दस्तूर था ये कॉन्स्टिट्यूशन था जिस पर रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई और हजूर असलातम की रियासत मदीना की तमाम अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसीज का इन्हसार हुआ जिस पर खारजा पॉलिसी बनी जिस पर दिफा का निज़ाम बना जिस पर सोशल सर्विस का सिस्टम बना जिस पर ट्राइबल आज़ादियाँ मिली जिस पर मजहबी आज़ादियाँ मिली जिस पर उनको सोशल रिलीजस फ्रीडम्स मिली जिस पर ह्यूमन राइट्स को तहफ़ मिला जिस पर बैनवाी महदात हुए और रियासत मदीना एक रियासत के तौर पर उठकर बैन अवी ताल्लुक में एंटर हुई और उसने आलमी सतह पर बतौर रियासत एक नए दौर का आइनी दस्तूरी पुरम दौर का आगाज किया डॉक्टर हसन मोहुलद्दीन ने इस नहायती वकी तहकीक के साथ हक अदा कर दिया है और मेरा दिल इतना फरहान और नाजा है मैं सदहा बार मुबारकबाद देता हूँ और ये किताब दस्तूर मदीना और मिसाँ के मदीना के इस सब्जेक्ट पर इस इलमी तारीख़ में एक बड़ा ग्राँ क़दर वकी इजाफ़ा है अल्लाह इज़्ज़त ये अपनी बारगाह में काविश कबूल करें और नस्लें इससे फ़ायदा उठाएं मुझे अपने दोनों बेटों डॉक्टर रसन मोहिद्दीन और डॉक्टर हुसैन मोहिद्दीन दोनों के कामों पर फख्र है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मगर इस काम के लिए जो आज जमा है आप इसकी एक बड़ी मुनफर्द हैसी है मैं बार दिगर मुबारकबाद के साथ अपना ये तमीदी या पस मंज़र जो मैंने कहा खत्म करता हूँ ताकि आप इस पर गुफ्तु कर सकें असल वरम्ह वर्का